नमस्ते, मैं दिनेश कुमावत। आज हम बात कर रहे हैं राज्य सरकार की बहुत ही अच्छी योजना चिरंजीव योजना के बारे में। जी हाँ, चिरंजीव योजना को लेकर बहुत से लोगों में भ्रम है कि चिरंजीव योजना क्या है, उसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, कौन कौन से इलाज है। ये सारे भ्रम आज आपके दूर करने के लिए हम पहुँचे हैं फतेहपुर के अमर हॉस्पिटल, और हमारे साथ मौजूद है अमर हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने कीमती समय निकाल के हमारे साथ और वीडियो बनाने के लिए आप अग्री हुए। मैं जानना चाहूँगा कि चिरंजीव योजना आखिर है क्या। ठीक है, देखिए, सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने राज्य के गरीब जनता का, और ये मान लो कि भी अमीर जनता के, समस्त जनता का, अपने राज्य की उन्होंने ख्याल रखा कि भाई जो भी लोग हो उनका, मेरे राज्य के लोगों का खर्च स्वास्थ्य के प्रति नहीं आना चाहिए। तो इन्होंने संपूर्ण लोगों को इसमें कवर करते हुए 5 लाख रुपए तक का बीमा उन्होंने निर्धारित किया है। उसमें यह है कि जो लोग NFSA में हैं और जो लोग लघु सीमांत कृषक हैं, उनको सबका तो प्रीमियम गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन जो जो आदमी इनकम टैक्स पे ही हैं या कुछ लोग जो है अमीर व्यक्ति भी हैं, वो 850 रुपये दे के और चिरंजीव योजना में शामिल हो सकते हैं। चिरंजीव योजना एक बहुत ही सरकार की महत्वपूर्ण, और मैं मानता हूँ कि भारत में सबसे पहला राज्य है जिसने ये पहल करी है। चिरंजीव योजना में हर प्रकार का इलाज निःशुल्क है, सभी प्रकार का इलाज निःशुल्क है। उसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज है, छोटी बीमारियों का 50,000 रुपए तक का, बड़ी बीमारियों का 4.5 लाख। 5 लाख रुपए मतलब पूरा परिवार का है या फिर एक व्यक्ति का है? देखिए, ये 5 लाख रुपए पूरे परिवार का है। पूरे परिवार में चाहे एक आदमी पूरे 5 लाख खर्च कर सकता है या तो सब लोग मिलकर खर्च कर सकते हैं। और प्राइवेट जो भी चिन्हित गवर्नमेंट द्वारा किए गए वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये इलाज निःशुल्क ले सकते हैं। इसी के तहत मैं आपको बता दूं कि राज्य सरकार ने अभी जो कोविड की महामारी महाआपदा जो आई, उसके अंदर भी गवर्नमेंट ने जो चिरंजीव योजना के अंदर जो कोविड पेशेंट्स हैं उनका भी उन्होंने निःशुल्क इलाज गवर्नमेंट ने देने का, यानी कि पहले कोविड के जो पेशेंट है उनका चिरंजीव में इलाज नहीं होता था, अब हो सकता है। जी, अभी हो सकता है। गवर्नमेंट ने चिरंजीव योजना में कोविड पेशेंटों का निःशुल्क इलाज करने का वादा किया। यहाँ एक अहम बात यह भी आ जाती है कि जो कोविड के जो पेशेंट है वो अब अपना इलाज जो चिरंजीव योजना में है वो करवा सकते हैं, निःशुल्क करवा सकते हैं, उनका पैसा नहीं लग रहा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पैकेज हैं उसमें कुछ दवाइयाँ, जो महत्वपूर्ण दवाइयाँ हैं उनको शामिल नहीं किया गया, उनका पैसा अलग से चार्ज होगा। कुछ जो जाँचें हैं, बड़ी जाँचें हैं, जैसे सीटी स्कैन है, IL-6 है और है, वो भी इस योजना में शामिल तो नहीं है, उनका अलग से पे करना पड़ेगा। यानी कि आपका कहना है कि डॉक्टर्स के पैसे नहीं लगने हैं, बेड के पैसे नहीं लगने हैं, और कुछ जो रूटीन की जांचें हैं, अच्छा कुछ जांचें हैं, कुछ रूटीन की मेडिसिन है, जो उसमें शामिल नहीं किया गया, कुछ मेडिसिन को उसके मतलब एक्स्ट्रा पैसे पे करना होगा। हाँ, बाकी ऑलमोस्ट मानते हैं कि भाई कोविड पेशेंट का निःशुल्क ही इलाज है। तो सर, इसमें जैसे ये है कि फतेहपुर में मान लीजिए कि अस्पताल काफी हॉस्पिटल्स है, कहीं भी इसका इलाज करवा सकते हैं क्या चिरंजीव योजना के? देखिए, अभी तक अपने फतेहपुर की जहाँ तक बात है, फतेहपुर का एकमात्र हॉस्पिटल है ये अपना अमर हॉस्पिटल, जिसमें कोविड का चिरंजीव योजना में इलाज होता है। दूसरी, हमारे हॉस्पिटल ने और भी कई स्पेशलिटी में इलाज करना स्टार्ट कर दिया है चिरंजीव योजना में, जैसे ऑर्थोपेडिक है, हड्डी रोग विशेषज्ञ सेवाएँ 24 आवर है, इसमें जनरल सर्जरी है, दूरबीन द्वारा सर्जरी है, एंड कान नाक गले की सर्जरी है, गायनी की जो है वो है। गायनी के बारे में आपको बता दूं कि डिलीवरी को इसमें शामिल नहीं किया गया है, चाहे वो ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी हो चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए। देखिए, सबको ये बहम, सबके मन में एक असमंजस था कि फ़ोन भी आते थे कि इस हॉस्पिटल में हम और चिरंजीव योजना में डिलीवरी नहीं कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि राज्य सरकार ने, डॉक्टर साहब का कहना है कि राज्य सरकार ने डिलीवरी को प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में, यानी कि सरकारी में तो आपका सभी इलाज फ्री है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में जो चिरंजीवी में एड है, जो हॉस्पिटल जैसे आपका हॉस्पिटल है, तो
सरकार ने डिलीवरी को इससे अलग रखा है, यानी कि डिलीवरी आप भले ही कहीं करवाए, सरकारी हॉस्पिटल को छोड़ के आपके पैसे नहीं लगने हैं, तो डिलीवरी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। और मैं आपको इसी के क्रम में और बता दूं कि फतेहपुर में हमने डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध करा दी है, यानी कि डायलिसिस सीकर नहीं जाना पड़ेगा, सीकर नहीं जाना पड़ेगा और टोटली निशुल्क है डायलिसिस, डायलिसिस निशुल्क है टोटली। तो आपको देखिए एक यहाँ बात और आप ध्यान में रखने की बात है, डायलिसिस के लिए सीकर जाना पड़ता था, और डायलिसिस एक ऐसी बीमारी शायद सप्ताह में एक बार जाना, दो बार सप्ताह में किसी को, दो बार किसी को, तीन बार सीकर गाड़ी लेके जाना पड़ता था। तो अब डायलिसिस है आपकी यही हो जाएगी फतेहपुर अमर हॉस्पिटल, वो भी निःशुल्क, यानी कि डायलिसिस आपका पैसा नहीं लगना है, सीकर नहीं जाना है, और यही फतेहपुर में ही आपका अमर हॉस्पिटल में आप करवा सकते हैं। उसी क्रम में बता दूं कि अब ब्लड बैंक भी हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, अगर किसी को ब्लड चढ़ाने की भी जरूरत पड़ती है तो वो भी इस चिरंजीवी योजना में निःशुल्क चढ़ाया जाएगा। अच्छा ये देखिए, निःशुल्क चिरंजीवी योजना में आपका जो ब्लड है वो भी निःशुल्क चढ़ाया जाएगा, तो देखिए कितने फायदे हैं, और उपलब्ध भी निःशुल्क करवाया जाएगा। अच्छा देखिए उपलब्धता भी इसकी निःशुल्क, आप कह रहे हैं कि उपलब्धता भी है वो भी निःशुल्क है, आपके यहाँ ब्लड बैंक है सर? जी हमारे यहाँ ब्लड बैंक है, और इसमें भी जैसे मान लो पेक्सेल है, प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स है, वो अच्छा। सभी प्रकार का होल ब्लड है, सभी प्रकार का हमारे ब्लड बैंक में ब्लड उपलब्ध है, और वो भी हम इस योजना में निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे और निःशुल्क चढ़ाएंगे। तो सर चिरंजीव योजना 1 मई से स्टार्ट हुआ था, क्या आपने चिरंजीव योजना में इलाज? देखिए हमने अभी तक सैकड़ों लोगों का इलाज निःशुल्क कर दिया है फतेहपुर में, और बहुत लोगों ने इसका लाभ प्राप्त किया है। मैं पुनः मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करता हूँ कि इन्होंने राज्य की जनता के बारे में सोचा, और उनको बहुत ही मतलब महत्वाकांक्षी योजना ये हम कह सकते हैं राज्य सरकार की। तो देखिए महत्वाकांक्षा, और सबसे बड़ी बात है कि लोगों का ऐसा मानना कि चिरंजीवी की स्थिति ही थी लोगों के, वो कुछ हद तक अब दूर हुई होगी। तो आपको बता दें कि अगर आपने चिरंजीव योजना में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो 31 मई तक वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। जो व्यक्ति 31 मई तक अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसको उसी दिन से लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात ये कि लोगों को भ्रांति है कि सभी हॉस्पिटल में चिरंजीवी योजना के तहत फ्री इलाज होगा, तो वो आपसे कह दें कि फिलहाल फतेहपुर में चिरंजीवी योजना में जो हॉस्पिटल एड है वो अमर हॉस्पिटल फिलहाल तक, हो सकता है कल कोई और भी हो जाए, लेकिन आज अमर हॉस्पिटल ही है जिसमें चिरंजीवी योजना के तहत आप लाभ ले सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें डिलीवरी को सरकार ने ऐड नहीं किया है, लोगों के मन में सबसे ज़्यादा भ्रांति वो डिलीवरी को लेकर, तो डिलीवरी को है वो इसमें कतई शामिल नहीं किया गया है। कोरोना के जो पेशेंट है वो भी अब चिरंजीवी योजना में शामिल है, यानी कि जो कोरोना का पेशेंट थे पहले उनके पैसे लगते थे, अब चिरंजीवी योजना में उनके इलाज हो गए। हालांकि कुछ मेडिसिन कुछ जांचें वो इसमें कवर वो नहीं इसमें है। कवर नहीं है, बाकी आप इसमें इलाज करवा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आपका लोगों को संदेश आखिरी? मेरा यही संदेश है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना में, चिरंजीवी योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि स्वास्थ्य का लाभ सबको मिल सके। जिन लोगों को इस योजना के बारे में पता नहीं है, उन लोगों को जो लोग जानकार हैं वो बताएं और उनका रजिस्ट्रेशन करवाएं। जो गरीब लोग हैं उनका तो ऑटोमेटिक ही उसमें जुड़ा हुआ है, जो खाने से जुड़े हैं उनका तो, लेकिन ऐसे लोग जिनका इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं था वो करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इसमें सब लोगों को फ़ायदा मिल सके। और फतेहपुर में हमारा हॉस्पिटल एकमात्र हॉस्पिटल है जिसमें डायलिसिस है, सर्जरी है, ऑर्थो की सर्जरी है, गाइनी की सर्जरी है, ENT की सर्जरी है, और डायलिसिस है, ब्लड वगैरह चढ़ाना है, और रूटीन के जो भी बीमारियां हैं वो सब भी हम कवर करते हैं। फिजिशियन है हमारे पास में, तो वो उसमें भी सारी बीमारियां हम कवर करते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सी जानकारी है वो लोगों को प्रदान करी। तो आपसे निवेदन कि जिनको भी चिरंजीवी योजना का लाभ लेना है वो अमर हॉस्पिटल आ सकते हैं, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो अपना रजिस्ट्रेशन है वो ज़रूर करवाएं, ताकि आप बेहतर सुविधा, बेहतर लाभ वो निःशुल्क प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।